नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारतीय रेल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, रेलवे में कोरोना प्रोटोकॉल की फिर से वापसी हो रही है। एक बार फिर कोरोना इंडिया में दस्तक दे चुका है, जिससे रेलवे पर भी बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर के दौरान मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी निर्देशक पैसेंजर नीरज शर्मा ने सभी जोन के चीफ कमीशन मैनेजर को पत्र भेजकर बोर्ड के निर्देश से अवगत कराया है। पत्र में कहा गया है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड को लेकर जो SOP 22 मार्च को जारी की गई थी, उसका पालन किया जाए। इतना ही नहीं, यदि यात्री बिना मास्क के सफर करते मिलते हैं तो ऐसे यात्रियों पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। लोगों से मास्क लगाने के लिए कहा गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों और स्टेशन परिसर में यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। रेलवे स्टाफ को भी मास्क लगाने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के मामले कम होने के बाद रेलवे ने मास्क की अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी, जिसके बाद रेल यात्री बिना मास्क के ट्रेन में सफर कर पा रहे थे। वही मास्क के अलावा रेलवे में पहले की तरह पेंट्री और बेडिंग देने का भी निर्णय किया गया था। पर अब देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रेलवे फिर से कोविड प्रोटोकॉल की ओर दोबारा से बढ़ रहा है। इसी क्रम में मास्क पहनकर यात्रा करना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने कर लिया बड़ा फैसला। रेल यात्रा में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।